ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनंत। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुए हैं, जो कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत का इतिहास में ये जो वीडियो नंबर है वो है जो है आपका लगभग छठवां। और हम लोग जो बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, तो जिसमें एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जो कि आपके सिक्कों से जुड़ा हुआ था। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं, 10-15-20 मिनट में आपका टॉपिक जो है निपटाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है जल्दी से आप कहीं खेल कूद भी रहे हो तो आप वीडियो देख के आप आनंद ले सकें। नोट्स जरूर बनाइए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इसका भाग होता है। तो पुरातात्विक स्रोत यानी कि क्या होते हैं और कितने प्रकार थे मैंने आपको बता दिए थे। नज़र फिर से डलवा देता हूँ, मैंने कि बताया था कि पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, जो कि आपका जाता है सिक्के, अभिलेख, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्मारक, भवन, जिसमें हम सिक्कों के बारे में डिटेल से यानी कि बहुत अच्छे से और विस्तार से बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख की अगर बात की जाए तो आपका जो कुछ भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा जब खुदाई वगैरह होती है, खुदाई के बाद कुछ भी यानी कि ये खुदाई के बाद निकला है उस पर कुछ लिखा हुआ है, गुदा हुआ है, तो वो अभिलेख माना जाएगा। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा कि अभिलेख होता क्या है। तो अभिलेख की अगर बात की जाए तो पत्थर, क्योंकि आप जानते हैं जब खुदाई होती है तो पत्थर मिलता है, कोई स्तंभ मिलता है, स्तंभ मतलब जो पिलर्स होते हैं, धातु की पट्टियां में मान लीजिए, या फिर किसी मृदभांड या फिर कच्ची मिट्टी के बर्तनों पर लिखे हुए साक्ष्यों को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। मान लीजिए खुदाई होती होती क्या निकलता है, मान लीजिए कोई पत्थर निकलता है, मान लीजिए कोई मूर्ति निकलती है, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड जो कुछ भी निकलता है, और उस पर क्या होता है कुछ ना कुछ यदि लिखा हुआ है तो उस पट्टी पर जो भी लिखा, चाहे वो पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए ये बात अलग है, लेकिन अगर वो कुछ लिखा है तो वो क्या कहलाएगा, अभिलेख कहलाएगा। ठीक है, तो अभिलेखों के अध्ययन की अगर बात की जाए तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी कि इपियोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा इनके तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों को, प्राचीन प्रतिलिपि को यानी कि प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालिपि शास्त्र यानी कि पैलियोग्राफी कहते हैं। फिर से बता दूं, अभिलेख शास्त्र अभिलेखों का अगर अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई अभिलेख है तो उसका अभिलेखों का अध्ययन कर रहे हैं तो पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहेंगे। अगर प्राचीन लिपि के दस्तावेज में जो कुछ प्राचीन लिपि लिखी है उसका अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेख की बात करें तो सबसे पुराना अभिलेख, अब ये अभिलेख जो होते हैं हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो आप लोगों को बताया था कि ये सिक्के जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था जो अभिलेख होते हैं वो प्राप्त आखिर होते कहाँ थे। तो अभिलेख की अगर बात की जाए तो मोहरों पर अगर कुछ लिखा है तो वो अभिलेख मोहरों से, स्तूपों से, प्रस्तर स्तंभों से, जो पत्थर के स्तंभ होते हैं उनसे, ताम्र पत्रों से, मूर्तियों से, मंदिरों की दीवारों पर या फिर ईंटों से प्राप्त हमें अभिलेख होते हैं। अभिलेखों की भाषा जो होती है प्राकृत हो सकती है, पाली, संस्कृत तथा दक्षिण की कुछ अन्य भाषाएं भी देखने को मिलती हैं, यानी कि प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में और संस्कृत और दक्षिण भाषा की जैसे कन्नड़ हो गया, तो अन्य भाषाओं में अब ये अभिलेख देखने को मिलते हैं। कुछ अभिलेख जो है दो भाषाओं में देखने को मिल सकते हैं, दो भाषाओं में, तथा कुछ जो अभिलेख हैं विदेशी भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं। भारत के सबसे पुराने अभिलेख की अगर बात की जाए तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों से मिलते हैं, जो कि अगर बात की जाए तो हड़प्पा संस्कृति की कब बात है, आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व और प्लस आज का 2000 जोड़ लीजिए, यानी कि मोटा मोटी माना जाए तो 2000 ईसा पूर्व कहेंगे या फिर कहेंगे लगभग 4500 वर्ष पहले, क्योंकि 2500 पहले का जोड़ लीजिए ईसा पूर्व वाला और प्लस 2000 वर्तमान का जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4500 वर्ष हो जाएगा। तो भारत के सबसे पुराने अभिलेख जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं, जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि ये अभिलेख जो है भाव चित्रात्मक लिपि में है। सीधा सा मतलब है उन्होंने कुछ सोचा, जैसे अमरूद लिखना चाहते हैं तो अमरूद बना दिया, मान लीजिए आप प्यार लिखना चाहते हैं ऐसे करके, प्यार जो होता है तो उन्होंने ऐसे करके आकृति बना दी प्यार वाली, समझना ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए, जिनको विचारों और वस्तुओं के चित्रों में क्या किया जाता था, व्यक्त किया जाता। भारत का ये सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर प्राचीन भारत में, भारत से बाहर की अगर बात की जाए, भारत के अंदर आपको पता है कि कहाँ पर सबसे पुराना मिला है, आपका हड़प्पा वाली क्षेत्र में आपका सबसे पुराना मिला है, कितना मिला है, 2500 ईसा पूर्व का है, मोटा मोटी मैंने कितना बताया, 2500 में 2000 जोड़ देंगे तो 4500 साल पुराना आपका सबसे पुराना अभिलेख जो है मिला। अगर भारत देश के बाहर की अगर बात की जाए तो भारत देश के बाहर की अगर बात की जाए तो भारत से जुड़ा सबसे पुराना अभिलेख जो है पश्चिम एशिया यानी कि एशिया माइनर के बोगजकोई नाम के स्थान से मिला है, जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। बोगजकोई कहाँ पर है, आपका ये वाला जो क्षेत्र पश्चिम एशिया वाला, ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम वाला जो एशिया वाला क्षेत्र था यहाँ पर उस समय का पर्सिया और वर्तमान का ईरान वाला जो देश है यहाँ पर पड़ता है आपका एशिया माइनर। एशिया माइनर में क्या मिल देखने को मिल जाएगा, बोगजकोई, बोगजकोई से क्या मिला है, 1400 ईसा पूर्व लगभग, मतलब 1400 को जोड़ लेते हैं, 1400 प्लस आपका 2000 तो लगभग 3400
ईसा मतलब 3400 साल पुराना आपका क्या मिला है, अभिलेख मिला है। एशिया माइनर के अभिलेख में आपका इंद्र देवता, वरुण देवता, मित्र देवता और नासत यानी कि अश्विनी कुमार नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जो कि वैदिक काल के देवता हैं। ठीक है, एशिया ईरान से मिले कसाइट अभिलेख तथा सीरिया से मिले मितन्नी अभिलेख में सीरिया से मिले मितन्नी अभिलेख में आर्यों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि ये है आपका ईरान वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपका पश्चिमी एशिया माइनर यानी कि यहाँ पर, और ये है आपका सीरिया। तो सीरिया से आप सीरिया का कौन सा मितन्नी अभिलेख, और आपका ईरान का कौन सा आपका कासाइड अभिलेख से क्या मिलता है, आर्यों के नाम देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो शुरुआत के अभिलेख जो थे किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। फिर से बता दूं, शुरुआत के अभिलेख किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। यानी कि ईसा पूर्व की तीसरी सदी में, ईसा पूर्व के तीसरी सदी में आपको कौन से में देखने को मिलते हैं, प्राकृत भाषा में। संस्कृत भाषा में अभिलेख की अगर बात करें तो ईसा की दूसरी सदी में देखने को मिलते हैं, जिसे सदी में देखने को मिलते हैं, जिसे सक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईसवी में संस्कृत में लिखा गया था। फिर से बता दूं मैंने क्या बताया कि शुरुआत के समय में कब, पूर्व की तीसरी सदी में, जो कि क्या मैंने बताया पूर्व की तीसरी सदी में क्या मिला है, ईसा पूर्व की तीसरी सदी में अगर बात की जाए तो किस में मिला है, आपका प्राकृत भाषा में। वहीं संस्कृत भाषा की अगर बात करें, संस्कृत भाषा में अभिलेख ईसा की दूसरी सदी में देखने को मिलते हैं। ईसा की अगर दूसरी सदी की बात की जाए तो 150 ईस्वी के समय में आपका रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था 150 ईस्वी में जो लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। तो सबसे पहले की बात की जाए तो किसमें, आपका प्राकृत भाषा में। उसके बाद आपको काइक में देखने को मिल जाता है, आपका संस्कृत में। इसके बाद मौर्य सम्राट अशोक के कई अभिलेख देश के अलग अलग भागों में मिलते हैं, जिसने अशोक की साम्राज्य की सीमा, धर्म तथा शासन की नीति के बारे में जानकारी देते हैं। मैं फिर से बता दूं मैंने क्या बताया कि इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है, आपका मौर्य सम्राट अशोक के कई अभिलेख देश के अलग अलग भागों में देखने को मिलते हैं, जो कि अशोक के धर्म, अशोक का साम्राज्य की सीमा और उनके शासन की नीतियों के बारे में क्या मिलता है, उसमें जानकारी मिलती है। तो अशोक की अगर बात की जाए, अशोक के अलावा उदयगिरी से मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, उदयगिरी से मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर से बता दूं, उदयगिरी से मिला हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में, उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख में किस राजा के बारे में, खारवेल राजा के बारे में। खारवेल किसके राजा थे, कलिंग के राजा थे, जिसको आपको पता होगा अशोक जो होते हैं क्या करते हैं, हमला करने के बाद तहस नहस कर देते हैं और बाद में जो है ये संत बन जाते हैं। अशोक जो है हमारे सम्राट महान जो होते हैं, बाद में जो है इनका दिल जो है पिघल जाता है, ये कहते हैं हमने इतनी मार काट कर दी। तो समझ जाइए अशोक बनने के लिए भी आपको बहुत सी हत्याएं करनी पड़ सकती हैं। तो एक हमला कर देते हैं, हमला करने के बाद ये पूरा कलिंग होता है उसको क्या कहते हैं, निस्तो नाबूद कर देते हैं यानी कि भस्म कर देते हैं। उसके बाद ये इनकी आंखें खुलती हैं, इनका दिल जो है द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और पिघलने के बाद ये संत बन जाते हैं और फिर बुद्धम शरणम गच्छामि की शरण में चले जाते हैं। इस तरह से होता है, समझ पा रहे हैं। चलिए, सक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सक शासक रुद्रदामन तथा अशोक तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर से बता दूं, सक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सक शासक रुद्रदामन तथा अशोक तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रथम स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय तथा उसके द्वारा जीते गए राज्यों के साथ उसकी नीतियों के बारे में भी चर्चा मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से, फिर से बता दूं, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय तथा उसके द्वारा राजाओं के साथ उनकी नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं, यानी कि जो मान लीजिए मैंने बताया था सबसे पुराना जो अभिलेख है भारत देश से जुड़ा हुआ, तो वो मैंने बताया था हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, जो कि 4500 साल पुराना है। वहीं भारत देश के बाहर की अगर बात करें तो 3400 साल पुराना अभिलेख जो कि आपका बोगजकोई से मिलता है। तो ये जो अभिलेख हैं ये पढ़े नहीं जा सके हैं, लेकिन भारत देश की अगर बात करें तो सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा सके वो ईसा पूर्व तीसरी सदी के अशोक के शिलालेख थे। और इसको पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की थी, तो वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। तो इन अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि बंगाल में ईस्ट इंडिया के एक क्या थे, अधिकारी थे। तो यहाँ पर कुछ शिलालेख आपको देखने को मिल जाएंगे, किस भाषा में है, साहा बाजगड़ी खरोष्ठी में दिया गया है, 1836 में खोज की गई थी,
पेशावर में स्थित है। मानसेहरा खरोष्ठी में लिखा गया है, 1829 में इसकी खोज की गई थी, हजारा में ये स्थित है। गिरनार की अगर बात की जाए तो गिरनार, अशोक का गिरनार अभिलेख है, ये आपका ब्राह्मी में लिखा गया था, 1822 में इसकी खोज की थी, काठियावाड़ में है, ठीक है। उसके बाद एरगुड़ी, एरगुड़ी ब्राह्मी में लिखा गया था, 1916 में इसकी खोज की थी, कर्नूल में ये स्थित है। कालसी अभिलेख ब्राह्मी में लिखा गया था, 1837 में इसकी खोज की गई थी, देहरादून में ये स्थित है। जौगढ़ का अभिलेख आपका अशोक का ब्राह्मी में लिखा गया था, 1850 में इसकी खोज की गई थी, गंजाम में ये स्थित है। सोपारा अभिलेख की अगर बात की जाए तो ब्राह्मी में लिखा गया था, 1882 में इसकी खोज की गई थी, थाना में स्थित है। धौली की अगर बात की जाए तो ब्राह्मी में लिखा गया था, 1837 में इसकी खोज की गई थी, पुरी में स्थित है। चलिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर गिरनार आपको देखने को मिल जाएगा, मेरठ का, देहली तोपरा, कालसी, ठीक है, लुम्बिनी, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, कौसाम्बी, लौरिया अराराज, ठीक है, रामपुरवा, ठीक, सोपारा, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये अशोक के स्तंभ थे, मुझे उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा, स्तंभ और शिलालेख दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर इस तरह से अशोक के बारे में हम अलग से जानकारी लेंगे, तब वहाँ पर मैं आपका विशेष रूप से आपके डिटेल में मैं आपको इनके जो है स्तंभ वगैरह मैं बता दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रमुख अभिलेख व शासक, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, फिर से बता दूं, हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के बारे में, ऐहोल अभिलेख की अगर बात की जाए तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, ऐहोल अभिलेख के बारे में, नासिक अभिलेख की अगर बात की जाए तो गौतमी वलसिरी के बारे में जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख में आपका रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है, प्रयाग स्तंभ की अगर बात की जाए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात की जाए तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, मंदसौर अभिलेख से क्या है, मालवा नरेश यशो वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है, ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, जिसको हम मेहर भोज भी कहते हैं, मैंने पढ़ाया था मध्यकालीन में। देवपाड़ा अभिलेख की अगर बात की जाए बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है, भितरी व जूनागढ़ अभिलेख में आपका स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर है कि भारत देश का सबसे पहले नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का इसमें उल्लेख मिलता है, इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही, यहाँ पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं, स्तंभ लेख, स्थल और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, समय की बात की जाए कब किसके द्वारा ये बनाया गया था या लिखा गया था, तो मतलब किसके समय काल का था ये, तो इसके बारे में बता दूंगा, और अभिलेख की कुछ विषय वस्तु है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ज़्यादा इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पर है, मेहरौली, मेहरौली कहाँ पर है, दिल्ली में। संबद्ध व्यक्ति इससे किसके बारे में इसमें चर्चा मिलती है, इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। समय की बात करें तो गुप्तकालीन था, ठीक है। यह स्तंभ लेख पूरी तरह से ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, तथा यह तत्कालीन धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट क्या है उदाहरण है। आज भी इस पे क्या नहीं लगी है, जंग नहीं लगी है, आज भी ये वैसा का वैसा ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उनके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का इसमें विवरण दिया गया है, किसमें, आपका मेहरौली अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की बात की जाए तो कहाँ पर है, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इस किससे संबंधित है, आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो किसके राजा थे, या माने जाएंगे गुप्तकालीन। इस प्रशस्ति में या फिर प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का यशोगान किया गया है। इसकी रचना जो है हरशेड ने काव्य शैली में की है, किसने की थी, हरशेड ने काव्य शैली में की है। किसकी रचना, आपका प्रयाग प्रशस्ति या कहें स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा, हरशेड ने की है। बौद्ध स्तंभ लेख की अगर बात की जाए तो भरहुत में है, भरहुत में राजा वासुदेव के बारे में ये इस मतलब संबंधित व्यक्ति कौन है, राजा वासुदेव किस समय के हैं, तो सुंग काल के हैं। इस अभिलेख में सुंग वंश की जानकारी का प्रमुख ये स्रोत माना जाता है, यानी कि प्रारंभिक स्रोत है। मथुरा स्तंभ लेख की अगर बात की जाए तो मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, जो कि गुप्तकालीन राजा थे। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तथा माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन इसमें मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है, और एरड़ स्तंभ लेख की बात की जाए
तो वरुण की अगर बात की जाए, गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियो 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 डोरस स्तंभ भी इसको कहते हैं। बेसनगर यानी कि बिदसा में, जो कि एमपी में पड़ता है। भागभद्र के बारे में इसमें दिया गया, जो कि शुंग काल का एक शासक था। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्म संयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, एरड स्तंभ लेख की अगर बात की जाए, तो एरड जो कि मध्य प्रदेश में आपका है, समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। गुप्तकालीन, ये गुप्तकाल के ही ये आपके राजा थे, या कह सकते हैं ये शासक थे। यह स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह है विदर्भी ले शैली है। कैसी है? विदर्भी शैली है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में ही। एरड अभिलेख में दूसरा देखते हैं इसमें और किसके बारे में चर्चा मिलती है। एरड मध्य प्रदेश में मैंने बताया था। बुद्धगुप्त जो कि आपका गुप्तकालीन एक शासक था। यह स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मात्र विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नाम का प्रारंभिक प्रयोग भी दिया गया है। किसमें मिलता है? आपका एरड स्तंभ लेख, जो कहाँ पर है? एरड मध्य प्रदेश में। किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धगुप्त से, जो कि किसके राजा थे? आपके गुप्तकालीन। भीतरी स्तंभ लेख की अगर बात की जाए, तो आपका भीतरी में है। ठीक है, गाजीपुर में पड़ता है ये। आपका स्कंद गुप्त के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। गुप्तकालीन ये आपके शासक थे। यह स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण का वर्णन तथा स्कंद गुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? आपका भीतरी स्तंभ लेख में। बिहार स्तंभ लेख की अगर बात की जाए, तो बिहार शरीफ पटना में है ये। बिहार शरीफ पटना में है। स्कंद गुप्त के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, जो कि ये गुप्तकालीन राजा थे। इसमें स्कंद गुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण का भी उल्लेख इसमें मिलता है। विलसड स्तंभ लेख, विलसड जो कि आपका एटा में दिया गया है। एटा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये। कुमारगुप्त प्रथम इसमें जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन ये शासक थे। कुमारगुप्त प्रथम के प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का इसमें विवरण है। इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। एरड स्तंभ लेख की अगर बात की जाए, तो एरड मध्य प्रदेश में। भानुगुप्त के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, जो कि गुप्तकालीन थे। इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीरगति प्राप्त होने एवं उनकी पत्नी के चिता पर सती होने का भी उल्लेख मिलता है। तालगुंडा स्तंभ लेख की बात की जाए, तो सिमोरा मैसूर में है। मैसूर आपका दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में। शांति वर्मन, या कहें मयूर शर्मन, शांति वर्मन या मयूर शर्मन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, जो कि गुप्तकालीन शासक थे। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक का मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये हो गए आपके कुछ अभिलेख। तो अभिलेख तथा सिक्कों के अलावा कुछ अन्य पुरातात्विक साधन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभिलेख तथा सिक्कों के अलावा कुछ पुरातात्विक साधन, जैसे कि आपके अभिलेख तथा सिक्कों के अलावा, सिक्कों के बारे में बता दिया, अभिलेखों के बारे में बता दिया, महलों, मंदिरों, स्मारकों, मूर्तियों, मृदुभान तथा चित्रकला से भी प्राचीन भारत की हमें जानकारी मिलती है। मंदिरों तथा महलों तथा उनके बचे हुए हिस्सों की प्राप्ति से वास्तुकला के विकास के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अवस्था के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभिलेख के बारे में मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इसमें कुछ देने के लिए नहीं है, इतना ही काफ़ी है, मुझे उम्मीद है इससे आपको लाभ होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।